लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेले जाने वाला मैच आज शाम को 6 बजे खेला जाएगा। लाहौर कलंदर ने पिशावर जुल्मी को हरा कर 4 विकेटों से हरा कर दोबारा खेल में वापसी की है और मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा कर इस खेल में वापसी की है। ये दोनों टीमों के लिए 2 साल लगातार फाइनल में आमने सामने हो रही है। आज जो टीम जीतेगी, चाहे लाहौर जीते या मुल्तान जीते, तो उनके पास ये जो ट्रॉफी है, ये 2 ट्रॉफी हो जाएंगी। और जो मैच जीतने वाली फातिहा टीम होगी उसको 12 करोड़ इनाम मिलेंगे और ये बहुत बड़ा सरप्राइज है इन टीमों के लिए। जिस तरह कम बैक किया है इन टीमों ने, मुल्तान सुल्तान का बात करें तो उन्होंने बहुत शानदार मैच किया और 200 पिछले मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ उन्होंने 262 रन बनाए थे, आउटस्टैंडिंग, जो PSL का सबसे बड़ा स्कोर था। और पिशावर जुल्मी की जानब लाहौर ने जो फाइट की है वो आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन इस वक्त भरपूर में फॉर्म नज़र आ रही है वो लाहौर कलंदर की। और मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स और बैटर दोनों ही फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं सूरत हाल कैसी होती है। आज शाम को ये मैच होना है और बहुत फॉर्म में नज़र आ रही हैं दोनों टीमें। लेकिन बॉलिंग का तजिया करें तो लाहौर की जानब से बॉलिंग जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। राशिद खान है, हारिस रऊफ है और शहनशाह अफरीदी है। मुल्तान की तरफ से एहसानुल्लाह है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज देखते हैं मैच कौन जीतता है, ज़रा राय कमेंट कीजिए।